सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होगे एंड मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, जैसे कि हमारे फ्री फायर के अंदर न्यू कैरेक्टर इवेंट आ चुका है, जिसके अंदर आपको 7 डे के लिए कैरेक्टर मिल रहा है। लेकिन गाइस, आपको यहाँ पर से परमानेंट कैरेक्टर कैसे लेना है, ये ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन बंदों ने क्लेम कर लिया है उनका भी कैरेक्टर परमानेंट हो जाएगा। अगर और गाइस, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ कैरेक्टर परमानेंट लेके भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा और आपको कैरेक्टर परमानेंट मिलने वाला है वो भी आप मिस कर दोगे। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से जिन बंदों ने क्लेम कर लिया है, मतलब कि जो कैरेक्टर आपको इवेंट था उसमें सारे के सारे कैरेक्टर आपने क्लेम कर लिया है, तो उनको कैसे परमानेंट बनाना है ये ट्रिक बताने वाला हूँ। और जिन बंदों ने अभी तक ये सारे के सारे कैरेक्टर क्लेम नहीं किया है तो उनको तो परमानेंट कैरेक्टर मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक में अगर आप 1 सेकंड का भी मिस कर देते हैं तो आपको कैरेक्टर कैसे परमानेंट लेना है इस ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो चलेगा इस वीडियो को करते स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 जालों का गिवे रखा है, जिसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट होना है तो क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको कोड वर्ड बताने वाला हूँ, उस कोड को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर उसको नहीं लिखते तो आपको यहाँ पर से डीजे आलो के गिवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में कहीं भी आपको कोड देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा इस वीडियो को करते स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी फ्री फायर गेमर्स न्यू है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर फ्री फायर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम इवेंट के अंदर जा रहे हैं, और इवेंट के अंदर आपको सारे के सारे कैरेक्टर जो 7 डे के मिल रहे हैं वो इस इवेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जोसेफ, कैली, बहुत सारे कैरेक्टर आपको जो कि 7 डे के लिए मिल रहे हैं। तो क्यों गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो सारे के सारे कैरेक्टर दिए गए वो सिर्फ आपको गेम प्ले के लिए दिए गए, और उसके बाद आपको यहाँ पर से परमानेंट कैरेक्टर जो मिलने वाला है उसके बारे में भी और कब मिलने वाला है ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, आपको यहाँ पर से जो आपका ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको क्लेम कर लेने हैं एंड यहाँ पर आपके सारे के सारे कैरेक्टर की गेम प्ले करना है, और उसके अंदर से आपकी जो भी कैरेक्टर की गेम प्ले अच्छी लगती है उस कैरेक्टर को आपको परमानेंट लेना है। ठीक है, तो वो कैसे लेना है ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर से सारे के सारे कैरेक्टर क्लेम कर लीजिए, और बाद में सारे के सारे कैरेक्टर से आपको गेम प्ले कर लीजिए, और जो भी कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है वो कैरेक्टर आपको कैसे परमानेंट लेना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे गाइस, आपको यहाँ पर से क्लेम फ्री कैरेक्टर जो इवेंट देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर से कोई भी कैरेक्टर आपका जो भी कैरेक्टर फेवरेट है वो यहाँ पर से आप ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको वो सारे सारे कैरेक्टर इसीलिए दिए गए कि आप यहाँ पर से उसे यूज करें, और मतलब कि आप उसे ट्राई कर सके कि आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर से कोई भी कैरेक्टर आप परमानेंट ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो से वॉल्फ्रा और सारे के सारे कैरेक्टर परमानेंट ले सकते हैं। तो गाइस, आप तो सोच रहे हो कि यहाँ पर आप ट्रिक बताने वाले थे, लेकिन गाइस यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा था वो ट्रिक यही है, और बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपली एंड फास्ट ट्रिक है। गाइस, यहाँ पर आपको कैरेक्टर कैसे परमानेंट और कब मिलने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 23 अगस्त आने वाला है, उस दिन आप यहाँ पर से कोई भी कैरेक्टर परमानेंट ले सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर से लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको क्लेम कर लेना है। ठीक है, जैसे क्लेम करोगे तो तुरंत आपको यहाँ पर से परमानेंट कैरेक्टर मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर जो कि परमानेंट, जैसे कि आपको डायमंड में भी नहीं मिलते वो कैरेक्टर आपको इसके अंदर से मिल रहे, जैसे कि जोसेफ है गाइस, यहाँ पर आप जोटा एंड वॉल्फ्रा, वो सारे के सारे बहुत ही बड़े कैरेक्टर आप परमानेंट ले सकते हैं। तो चले गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको कोई भी कैरेक्टर कैसे परमानेंट लेना है इस ट्रिक में आपको बता दी। तो ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। और ऐसी और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।